विराट के पहेली समाचार में हम साक्षी अपना पंचन के स्वागत करित हैं। शुरुआत करित हैं रीवा से, जहां थाना नई गढ़ी के अंदर आवे वाला गांव मडना के रह वाले मुद्रिका पोल 63 साल के हत्या कई दिन गए। अपना पंचन का बताया गये कि मोतीलाल तिवारी खेते में पैरा की झोपड़ी बनाए के खेत ताकत रहा। आवे तक हत्या करे वाले की पहचान नहीं की गया। मोतीलाल के हत्या की जगह की जाँच पड़ताल सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी डॉक्टर आर पी शुक्ला और थाना प्रभारी डॉक्टर जगदीश सिंह ठाकुर के द्वारा किए गए। बताए गए कि निरीक्षण के दौरान लाश के पंचनामा और फोटो खींचिन और पोस्टमार्टम के खातिर सीएससी नई गढ़ी भेजिन है। तीन दिवसीय प्रवास में मध्य प्रदेश के नेता गोविंद सिंह रीवा पहुंचे, जहां कांग्रेसिन के द्वारा राजनिवास में स्वागत किएगा हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के घरे में जाए के नेता प्रतिपक्ष मिले। नेता प्रतिपक्ष रीवा के सभी विधानसभा क्षेत्र के दौरा करी और इहन सक्रिय नेता के साथ साथ आम जनता से बात करी। रीवा में आए नेता प्रतिपक्ष सीडी कांड मामला में साध्वी प्रज्ञा के ऊपर निशाना साधिन और कही कि उनका चुनौती ही कि उनकी कमियन का दिखा में जेखा हत्या में भरोसा हवे ओखा कुछ नहीं कहा जा सके। आई अपना पंचन का सुनाई कि नेता प्रतिपक्ष और का कहें। उन्होंने कहा कि आपके काली कारनामे की लिस्ट वो तैयार कर रही है और साधी प्रज्ञा, उन्होंने कहा कि आपके आपके काले कारनामे की लिस्ट तैयार कर रही है और बहुत जल्द प्रस्तुत करने वाली है। मैं उनको चुनौती देता हूं और वो लहर की हमारे क्षेत्र की रहने वाली है पूरा क्षेत्र और उनका इलाके के लोग सब जानते हैं। जो लोगों के हत्या में जिसका विश्वास हो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पिताजी हमारे साथी थे, मित्र थे और पारिवारिक संबंध थे। आज वो सत्ता के मद में मदान हो गई है, इसलिए जो उनको कहना है कहें। करें, खुशी की बात है, मैं उनका स्वागत करूंगा। स्वागत करेंगे, अगर गलत आरोप लगाया तो उनके न्यायालय में जाने से पीछे नहीं जाएंगे। अक्सर वो शराबबंदी को लेकर के धरना प्रदर्शन करती रहती है, क्या उनकी सरकार की? अब उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, जिसका जो विश्वसनीय नहीं महिला हो उसके बारे में क्या बात। कोहरा पड़ रहा है इसलिए पूरा था उस समय परमिशन देना उचित नहीं है। अगर एयरपोर्ट वालों ने परमिशन दी है तो इसकी जांच होनी क्यों चाहिए? अगर हमारे एक पायलट जो देश के भविष्य के लिए अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था और उसकी मौत हुई वह दुखद है। मैं उनके सुख संवेदना व्यक्त करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति पहुँचाए। रीवा के लौर थाना क्षेत्र के रघुनाथगंज बनारस रीवा हाईवे में सड़क हादसा भा। बताए दे कि खूब कोहरा होए के कारण दुई चार पहिया एक दूसरे से आपस में टकराए गयी, जेमे छह मनई घायल हुई गये। घायल मनई में एक ठे मेहरिया हालत गंभीर ही। घटना होते अगल बगल के मनई आए गए और 108 एम्बुलेंस का बुलाइन जेके बाद मनई का रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले गए। अपना पंचन का बताए दे कि दुर्घटना होए के कारण तेज रफ्तार और गलत साइड आए। कार चलावे वाले रीवा से मिर्जापुर जात रहे, जबकि दूसर कार मिर्जापुर से रीवा आवत रही, जो उन सड़क दुर्घटना के शिकार हुई है। नहीं उदे आ रहे हैं वहाँ। कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प के निर्देश में खनिज अमला के द्वारा अवैध उत्खनन और परिवहन में अभियान चलाई के कार्यवाही की। बताए दे कि सुबेरे खनि निरीक्षक वीर सिंह के द्वारा नवस्ता छिजवारा रीवा रोड में खनिज परिवहन के वाहनन के जांच की, उनका बिना वैध कागजन के साथ गिट्टी खनिज के परिवहन करत पाए गए। बताए दे कि दुई हाईवा का जब्त कई के पुलिस थाना नवस्ता चौकी में खड़ा कराए देंगा है, सभीन में अवैध परिवहन के प्रकरण लगाए देंगा है। लोकायुक्त एसपी गोपाल धाकड़ के टीम के द्वारा जनपद पंचायत मऊगंज में सीईओ शैलेश पांडे
का 13,000 की रिश्वत ले दबोचा गया है। बताए दे कि वाहन मालिक के रुका हुआ बिल भुगतान करे के बदला में रिश्वत मांगी गई रही। अपना पंचन का बताए दे कि रीवा जिला में 10 दिन के अंदर दूसरे घूसखोर सीईओ का लोकायुक्त के टीम सफाया करी थी। भ्रष्टाचार के आरोपन में घिरे जनपद सीईओ मऊगंज पहुंचते इहन के जनपद के तकदीर और तस्वीर बदले के बात किए रहे, जिनखर सगली सच्चाई आज समूह आ गई। सर मेरी गाड़ी लगी थी जनपद पंचायत नई गढ़ी में, 5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा था। फिर मैं इनसे बात किया, बोले कुछ चाहिए, फिर बात हुई 20,000 की। फिर उसमें मैं बोला सर पैसा निकलवा दीजिए तो मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। तो ये 4 महीने का बिल निकलवाए, 1 महीने का रोक रखे हैं। फिर मैं गाड़ी लेकर घर चला गया तो मेरे नाम ये झूठी FIR कराए और धमका डरा धमका रहे थे कि पुलिस में बंद करा दूंगा साले, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मैं इनसे बात किया, बोले 17,000 दे दो, तो 4,000 कल दिया और 13,000 आज दिया। आज कहाँ देने गए थे पैसे? आज सर इनके घर में देने गए। नेहरू नगर। कितने समय ये कार्रवाई हुई? शाम के 5:30-5:30। गाड़ी कब से लगी थी आपकी? गाड़ी मेरी जून माह से लगी थी, 2022। तब से यही प्रभाव में? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र कुमार पटेल। शिकायत करते हैं शिवेंद्र कुमार पटेल। इनकी गाड़ी नई गाड़ी में सीओ साहब जनपद में लगी हुई थी किराए पे, और जून से लेकर अभी तक उनको पैसा नहीं निकाला गया था, जिसका पैसा निकालने के एवज में सीओ साहब श्री शैलेश कुमार पांडे जी कमीशन मांग रहे थे। टोटल 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा निवेदन किया तो 17,000 रुपये इनका बोला कि ठीक है आप, मैं कम कर दे रहा हूँ, 17,000 रुपये दे देना। और इन्होंने बोला था कि 7,000 मेरे ड्राइवर को दे दो, बाकी मुझे दे देना। इसमें से 4,000 पहले ले चुके थे और 13,000 रुपये आज लेते हुए हैं, रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। सर ये कुछ थाने भी मामला पहुंचा था इनका, किसी मतलब गाड़ी वाड़ी को लेकर अभी फरियादी बता रहे थे। ये शिकायतकर्ता ने बताया है शिवेंद्र कुमार पटेल ने कि 23 तारीख को जब इन्होंने बोला कि मेरा पैसा निकाल दो, मुझे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, तो इन्होंने थोड़ी पहले से ही कुछ पिटर पिटर चल रही थी कमीशन को लेकर के। 23 तारीख को इनका ये कहना है कि मुझे बोला कि तुम चले जाओ, मैं घर चला गया। तो 24 तारीख को इन्होंने सीओ साहब ने उसकी झूठी शिकायत, उसका ये कहना है कि मेरी झूठी शिकायत कर दी कि साहब वो गाड़ी लेकर चला गया, आ नहीं रहा है। इस बात की उन्होंने झूठी शिकायत, उस पर दबाव बढ़ा रहे थे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो। ये पैसा का मैटर था, उसका ये कहना है कि पैसे की वजह से मेरी झूठी शिकायत किया है। 13,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। खबर रीवा जिला से है, जहां भाजपा कार्यालय पहुंची 2 दर्जन से अधिक कांग्रेसी महिला कार्यकर्ता काली पट्टी बांध के धरना प्रदर्शन कीन है। बताए दे कि बैतूल में बिटियन के साथ दुष्कर्म होए के बात कह के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व भाजपा नेता के ऊपर आरोप लगाई है। बताए दे कि जब मीडिया कर्मियन के द्वारा भाजपा नेता के नाम पूछा गया तब महिला के बोलती बंद हो गया। कुल मिलाए के धरना प्रदर्शन कई के राजनीतिक रोटी से कई के प्रयास की जात है। आई अपना पंचे का सुनाई प्रदर्शन करे वाली महिलन का। आज हम लोग घेराव किए हुए हैं जो बैतूल में बच्ची के साथ रेप हुआ है, और हम ये नहीं जानते कि नाम हमको बताना चाहिए, वो प्रशासन का काम है कि वो नाम ढूंढे कि किसने किया है। हमारा काम नहीं है कि हम किसी का नाम ढूंढे। आरोप लगा रही है, भाजपा नेता है कि नहीं है या कांग्रेस का ही नेता है, ये प्रशासन पता करेगी। आप कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, कांग्रेस का नेता नहीं है, ये प्रशासन पता करेगी कि किसने किया। आपको इतना पता है कि भाजपा नेता, लेकिन ये नहीं पता है कि उसका नाम क्या है। नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना भाजपा नेता का ले रहे हैं ना किसी का ले रहे हैं। उसके साथ रेप हुआ है हम ये जानते हैं, जिसने रेप किया है उसके लिए हम लोग आज दंड मांगने आए हैं कि उसको कम से कम उसको ऐसा मिलना चाहिए दंड उसको कि उसके रो काम से आए और बीच चौराहे में उसको लटका करके फांसी दे दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं प्रावधान किया जा रहा सरकार के द्वारा?
और मामा जी के जब से राज्य आई है तब से मामा जी बिल्कुल ऐसा है कि किसी दिन हर समय पेपर में पढ़िए तो हर समय जो है रेप 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 कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ घटना घट रही है। तो हम लोग सुरक्षा मांगने के लिए आए हैं प्रशासन से कि बच्चियों को सुरक्षा दिया जाए। बच्चियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और हम नाम नहीं जानते कि किसका है, क्योंकि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, नाम जानते हैं, पर ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन उसको ढूंढे और उसको सजा दे। न्याय मिलना चाहिए बच्ची को, बच्चियों के साथ ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए, क्योंकि बच्चियां भी बेटे के बराबर ही होती हैं। और ऐसा बैतूल में हुए हैं, 14 वर्षीय महिला वो बेटी के साथ भाजपा नेता ने जो दुष्कर्म किए हैं, तो कहाँ गए मुख्यमंत्री जी जो बच्चियों के मामा बने फिरते थे? आज वो बच्चियों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, उनका बुलडोजर कहाँ खड़ा है? कि भाजपा नेता मतलब यही कर रहे हैं, इस समय बलात्कार पर उतारू हैं और रेप कैपिटल बन गया है पूरा मध्य प्रदेश, यूपी हो एमपी हो हर जगह है, आए दिन यही घटनाएं फ्रंट पेज में छपती है कि आज यहाँ पे हो गया बलात्कार, आज यहाँ पे हो गया बलात्कार। तो कब चलेगा मामा का बुलडोजर? और मामा का बुलडोजर है कहाँ पे? इस समय दिखाई नहीं दे रहा है कि मामा का बुलडोजर कहाँ पे है। तो नेता जिन्होंने दुष्कर्म किया बैतूल के, नाम क्या होगा? बैतूल के भाजपा नेता हैं और जिसने किया, जिनको आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन हुआ रोग, उनका नाम क्या? उनका नाम भी बताएंगे हम कि वो कौन है। तो इतने बड़े नेता हो के भाजपा के नेता और इस तरह के गंदी हरकतें करते हैं कि बच्चियों के मामा, जब देखो तो बोलेंगे कि हम बच्चियों के मामा हैं, हम बच्चियों के साथ ऐसा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, सब कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ये घटनाएं होते इतनी शर्मिंदगी की बात है। और हम सभी आज कांग्रेस की महिलाएं यहीं भाजपा कार्यालय के सामने धरने पे बैठे हैं और हम सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। कब देंगे मुख्यमंत्री जी इस्तीफा, इसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और मामा का बुलडोजर कहाँ गया? आज खातिर इतने, बघेली में विंध्य के समाचार देखे के खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।